इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको स्नैपइंट में लिमिट मिलती है उस लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर कर सकते हो। आपने देखा होगा स्नैपइंट से आप कोई भी सामान ईएमआई पर किस्तों पर तो खरीद सकते हो, जो भी आपको लिमिट मिलती है उस लिमिट के अंदर, जैसे कि आपको 15 या 20 हज़ार रुपये की लिमिट मिली हो तो उस तरह उस जो भी आपको लिमिट है उस लिमिट का यूज़ करके आप कोई भी प्रोडक्ट, आप मोबाइल, टीवी, कुछ भी आप अगर लेना चाहते हो तो आप ईएमआई पर ले सकते हो। पर फ्रेंड्स, आपको पता है उसी लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, जो आप कहीं पर भी उस पैसे को आप यूज़ भी कर सकते हो। यानी कि जो भी लिमिट होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपको जैसे कि 10,000 रुपये की लिमिट मिली हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपको 10,000 रुपये लिमिट मिली है, तो इस 10,000 रुपये को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। वो कैसे क्या करना है मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट लास्ट तक देखते रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मैं जैसे आप सबसे पहले स्नैपइंट की एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी लिमिट मिली हुई होगी तो जैसे आप स्नैपइंट एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी लिमिट शो हो जाएगी, ठीक है। या आपने अगर कोई ऑलरेडी पहले से कोई सामान प्रोडक्ट या आप खरीद रखा होगा किस्तों पर तो आपको यहाँ पर लिमिट शो नहीं होगी। जैसे आप अपनी ईएमआई को धीरे धीरे पे करोगे, 2-3 ईएमआई पे करोगे, आपको यहाँ पर लिमिट दिखनी शुरू हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर अपनी स्नैपइंट लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा फीचर डैशबोर्ड का, इस पर आपको क्लिक करना है। फीचर डैशबोर्ड पर जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आपको सभी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पर जो स्टोर होते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बड़े बड़े स्टोर होते हैं, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, नायका हो गया, इन सभी का आप यहाँ पर पॉपुलर स्टोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही यहाँ पर दिखेगा पॉपुलर स्टोर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते हो यहाँ पर यह पॉपुलर स्टोर दिख रहा है, इस पर आपको अमेजन दिख रहा है, इस अमेजन वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप अमेजन आइकन पर क्लिक करते हो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। या फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरह का जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो उस तरह का अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको उसका कंप्लीट आंसर दूंगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करने से पहले एक बार जरूर फॉलो कर लेना ताकि मेरे पास जल्दी से वो मैसेज भी पहुँच जाए और मुझे पता भी चल जाए कि आपका मैसेज आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अमेजन का गिफ्ट कार्ड बनाना होगा, यानी कि अमेजन का वाउचर जो होता है वो वाउचर बनाना होगा। तो फ्रेंड्स सिंपल वाउचर बनाना काफ़ी सिंपल है, वाउचर बना के ही आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो भी आपकी लिमिट होगी जितने के तक आप वाउचर ले पाओगे वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। जैसे कि आप देखते हो गेट अमेजोन पे वाउचर अप टू 7,868 रुपये का मुझे वाउचर बनाने की लिमिट दे रहा है, तो आपको कितनी दे रहा है यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको जो लिमिट मिलती है इसके यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे ही डालना है। अगर आपको यहाँ पर जैसे कि स्नैपइंट में 20,000 रुपये की लिमिट मिली हुई है तो वाउचर में आपको थोड़ी कम मिलेगी, पूरी की पूरी यहाँ पर आपको जो लिमिट आपकी स्नैपइंट में होती है वो वाउचर में आप पूरी की पूरी यूज़ नहीं कर सकते हो, थोड़ी बहुत आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल मुझे जैसे कि 7,868 बता रहा है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी रुपये का वाउचर बनाना चाहते हो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। मिनिमम आप यहाँ पर 200 रुपये से ऊपर ही वाउचर बना पाओगे और मैक्सिमम आप काफ़ी सारा बना सकते हो जो आपको लिमिट मिली है उसके अनुसार। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम जैसे कि 1,000 रुपये डालते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद में आपको इस सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आपको गेट ईएमआई प्लान पे आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स अभी मेरे स्नैपइंट में काफ़ी ज़्यादा ईएमआई चल रही है तो यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट वाउचर का तो नहीं बता पा रहा हूँ, पर फ्रेंड्स आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप वहाँ पर वाउचर की लिमिट डाल के गेट ईएमआई प्लान पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको टेनर के लिए बोलेगा आप कितने महीने की आप ईएमआई लेना चाहते हो, जैसे कि 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, तो यहाँ पर आपको वाउचर को भी आपको यहाँ पर ईएमआई में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने महीने की किस्त करना चाहते हो अपने वाउचर की, वो सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। बाद में आपको अपना एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, आप जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस डालोगे और जो भी आपने स्नैपइंट में ईमेल आईडी रजिस्टर करके उस पर एक वाउचर सेंड कर दिया जाएगा, जितने भी रुपए का आपने वाउचर सेलेक्ट किया होगा वो वाउचर सेंड कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको अपने ईमेल में ले जाकर बताता हूँ कि किस तरह का आपको वाउचर देखने को मिलेगा। जो भी आपने वाउचर बनाया होगा उस तरह उसका आपको इस तरह का ईमेल मिलेगा, बस आपको अगर आपको वाउचर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपको लेना ही है, कंफर्म आपने कर लिया है तो यहाँ पर आपको अवेल वाउचर पर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपने वहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अपनी किस्त को सेलेक्ट किया होगा कितने महीने की आप वाउचर की किस्त करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया, यहाँ पर आपको अवेल वाउचर पर क्लिक करना है। जैसे आप अवेल वाउचर पर क्लिक करते हो आपको एक वापस से एक ईमेल देखने को मिल जाएगा, आपको जो वापस से जो ईमेल मिलेगा उसमें एक आपको नंबर देखने को मिलेगा और जब भी आपने मोबाइल नंबर स्नैपइंट के साथ रजिस्टर करा रखे होंगे उस पर भी एक मैसेज आएगा, उसमें एक नंबर होगा, ठीक है, वाउचर का नंबर होगा, उस वाउचर के नंबर को आपको वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको अपनी अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। वाउचर नंबर कॉपी किया था उसके साथ में आपको अमेजोन एप्लीकेशन में आ जाने के बाद यहाँ पर अमेजोन पे दिखेगा, इस अमेजोन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने पूरा अमेजोन पे यहाँ पर ओपन हो जाएगा।
अमेज़ॉन में कोई भी आप मोबाइल आपको सेलेक्ट करना है या कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको उसके पेमेंट पेज पे आना है, ठीक है। पेमेंट पेज पे आने के बाद में यहाँ पर जैसे आप उसको पेमेंट करने के लिए आओगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे UPI ID का, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सिंपल सबसे आपको लास्ट में दिखेगा एड गिफ्ट कार्ड और प्रोमो कोड का, बस सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो जो आपके SMS पर और जो भी आपकी ईमेल ID पर वाउचर के नंबर आए थे वो वाउचर के नंबर यहाँ से आपने जो कॉपी किए थे वो यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपको अप्लाई कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करोगे आपको यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट मतलब अप्लाई हो जाएगा वाउचर और कंप्लीट आपको यहाँ पर वाउचर का जो पैसा है आपके अमेजोन पे में चला जाएगा। सिंपल इसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करके इसको छोड़ देना है, आपको मोबाइल खरीदना नहीं है, बस इसको आपको छोड़ देना है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको अमेजोन पे दिखेगा, बस आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अमेजोन पे में आओगे जो भी आपने वाउचर का पैसा यहाँ पर जो भी आपने वाउचर बनाया था वो जो भी आपने यहाँ पर एंटर किया था वाउचर नंबर और जो भी आपने वाउचर बनाया था उस वाउचर का पैसा आपके अमेजोन पे बैलेंस में यहाँ पर दिख जाएगा। बस सिंपल इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आप गोल्ड परचेज कर सकते हो या कुछ भी करके आप अपने बैंक अकाउंट में इजिली आप यहाँ पर से ट्रांसफर कर सकते हो, या आपको यहाँ से कुछ लेना है तो आप ले भी सकते हो, आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप LIC की प्रीमियम पे कर सकते हो, आप किसी का भी रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है, अमेजोन पे बैलेंस में आने के बाद में। इस तरह से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे पहले आपको गोल्ड परचेस करना पड़ेगा, इसके बाद में आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तरीका था, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप अपने स्नैपइंट पैसे जो स्नैपइंट की लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओ। तो ये जो तरीका था मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।